मध्य प्रदेश में लगातार आदिवासियों पर बढ़ रहे अत्याचार, हिंसा के विरोध में आदिवासी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस द्वारा प्रदेश के सीधी जिले से आदिवासी स्वाभिमान यात्रा बड़वानी पहुंची, जहां पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन सहित प्रदेश अध्यक्षों ने जमकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के बड़वानी झंडा चौक पहुंचने पर यात्रा की अगुवाई कर रहे आदिवासी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम, यूथ कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विक्रांत भूरिया एवं महिला कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष चंदा सरवटे का स्वागत किया गया। भूरिया और टेकाम ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य भाजपा सरकार में दबंगों द्वारा आदिवासी वर्ग पर हो रहे अत्याचार और भाजपा सरकार के आदिवासी विरोधी नीतियों को उजागर करना है। क्या परिचय है? मैं रामू टेकाम, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस। क्या आदिवासी दिवस वाला है, देखिए हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों का सम्मान करते हुए, केवल मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत देश के आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया था, जब मध्य प्रदेश में उन्होंने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस को छुट्टी घोषित की थी, और छुट्टी तो घोषित की थी, साथ में सांस्कृतिक उत्सव मनाने के लिए 50,000 रुपए भी इन्होंने हर ब्लॉक में देने का काम किया था। लेकिन आज वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार जिस प्रकार से हमारे आदिवासियों के हक अधिकारों को खत्म करना चाहती है, हमारे पहचान को खत्म करना चाहती है और हमारी धर्म और संस्कृति को खत्म करना चाहती है, क्योंकि वो केवल और केवल वो खोखले राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जनता के मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। आज आप बताइए, आज हमारे SC ST के बैकलॉग पद लगभग 1.5 लाख है, लेकिन आज तक भरे नहीं गए। आज पेशा कानून की ये बात करते हैं, लेकिन पेशा कानून केवल कागजों पे है, जमीन पे उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। और शिक्षा की हालत देखो, शिक्षा में ये स्थिति है, स्कूल है लेकिन मास्टर नहीं है, स्वास्थ्य में देखो हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, गुणवत्ता मूलक शिक्षा कहीं भी नहीं है। और आज जो हमारे वन अधिकार के पट्टे हमारे लोगों को मिलने थे, वो वन अधिकार के पट्टे भी हमारे लोगों को नहीं मिल पाए। इस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार केवल केवल जुमलों की सरकार है, इनका आदिवासियों के विकास से, उनके कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। कुछ ही महीनों बाद विधानसभा आने वाली है, क्या तैयारी है? कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं टर्म विधानसभा की जो टर्म का इलेक्शन आने वाला है, हम उसकी तैयारी में है। और जैसा कि अभी आपने हमारे आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के जो हमारे नेताओं को भी आपने सुना, हम उनकी बात से सहमत है कि पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के राज में खूब अत्याचार और अन्याय हो रहा है और खूब लोगों के साथ में सरकार धोखा कर रही है। आने वाले वक्त में सर्वहारा वर्ग इसका बदला लेगा, आदिवासी तो सबसे आगे रहेगा ही बदला लेने में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का हर वर्ग हर समाज इनसे बदला लेगा। जिस तरह से इन्होंने जो जनता को जो फांसा है और जिस तरह से ठगा है और छला है, तो जो वक्त नवम्बर में जो आ रहा है, बहुत जल्द अब ये इनके खिलाफ सरकार बनेगी। और जैसा आदरणीय डॉक्टर साहब ने अभी बोला, विक्रांत भूरिया जी ने, 150 से अधिक सीटें हम आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, खड़गे जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 150 से अधिक सीटें हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी और हमारा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे और हम सर्वहारा वर्ग के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।